प्रदेश में मौसम की पहली बारिश ने ही जिस तरह से कहर बरपाया था और जो नुकसान हुआ था वो बेहद दुखदायी है। शाहपुर उपमंडल के भोह में घटित घटना में जितने भी मकान जमीनोंदोज हुए थे उसकी क्षति पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सचिव राजकुमार अग्रवाल ने कहा कि भविष्य के लिए स्थानीय लोगों व प्रशासन को मिलकर सोचना चाहिए ताकि फिर ऐसा ना हो। लोगों को भी सब कुछ विचार करके भवन आदि का निर्माण करना चाहिए और इससे और कदम बढ़ाने चाहिए। प्रशासन को भी इस पर चेक रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि भोह में जो जानमाल का नुकसान हुआ प्रभावितों को सहायता उसकी उपलब्ध करवाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री, प्रदेश कांग्रेस महासचिव केवल सिंह पठानिया ने भोह वैली जाकर प्रभावितों को कुशलक्षेम जानकर हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है। साथ ही सरकार से भी प्रभावितों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाने का आग्रह किया है। बहुत ही दुखद है, बहुत ही ज़्यादा दुखद है। बहुत से लोगों के परिवारों में बहुत नुकसान हुआ। कई परिवार के लोग एक दूसरे से बिछड़ गए। मैं उन सब परिवारों के साथ सबसे पहले तो हार्दिक संवेदना प्रकट करता हूँ और जितना भी उनका नुकसान हुआ है ये बहुत ही चिंताजनक बात है। जितना भी वहाँ पर मलबा आया, जितने भी मकान जमींदोज हुए, वो क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। लेकिन भविष्य के लिए भी मैं ये कहता हूँ कि अगर प्रशासन और वहाँ के लोग मिलकर थोड़ा सा इस बारे में सोचें तो इसको रोका जा सकता है। वहाँ जब मकान बनाते हैं, पहाड़ी ढलानों पर जब मकान बनते हैं, तो सबसे पहले ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी चाहिए बनाने वालों को भी कि भाई किसी तरह से कल को अगर ऊपर से प्राकृतिक आपदा कोई आ जाती है, कोई मलबा आ जाता है, कोई बाढ़ आ जाती है, तो क्या हमारे मकान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंच सकता, हमारे परिवार के जीवन के को नुकसान तो नहीं पहुंच सकता। ये सब चीज़ें सेफ्टी देखते हुए मकान बनाना चाहिए और उसके बाद इन चीज़ों पर प्रशासन को भी नज़र रखनी चाहिए कि ऐसा कोई हादसा ना हो जिसके बारे में जनता को ज्ञान नहीं है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी इसलिए बैठे होते हैं कि वो इन चीज़ों का ध्यान रखे कि किसी के कोई कार्य करने से, जनता के कोई कार्य करने से किसी को जानी या माली नुकसान तो नहीं हो सकता। अगर हो तो उनको प्रॉपर टाइमली गाइड करें और उसकी सुरक्षा का उपाय करें। अब जितनी भी वहाँ मौत हुई है, जितना भी माली नुकसान हुआ है, मेरा प्रशासन से बड़ा ज़ोरदार ये अनुरोध रहेगा कि उनको पूरी तरह से हेल्प की जाए, उनकी पूरी तरह से उनको वित्तीय सहायता दी जाए, उनके मकानों को दोबारा से बनवा के दिया जाए और जो भी इसके अतिरिक्त सहायता दे सकती है सरकार वो उनको दे। हमारे कांग्रेस पार्टी के बहुत से जो कार्यकर्ता थे और विधायक थे, उन्होंने वहाँ पर बहुत जाके प्रशासन का सहयोग किया है और मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। स्पेशली शाहपुर एरिया के जितने भी हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता रहे थे, इंक्लूडिंग हमारे केवल सिंह पठानिया जी जो महासचिव हैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के, मैं उनका भी आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इमीडिएटली एक्शन लेते हुए अपने पूरे लास्ट लश्कर के साथ वो वहाँ पहुँचे। हमारे मुकेश अग्निहोत्री जी विपक्ष के नेता भी वहाँ पहुँचे और भी बहुत से हमारे नेतागण और सब गए और सब ने वहाँ पर जो भी आर्थिक सहायता हो सकती थी वो दी है। तो इतना मैं कहना चाहूँगा कि भविष्य में ऐसी कोई भी घटना ना घटे इसके लिए प्रशासन भी सतर्क रहे और वहाँ की जनता भी थोड़ा सहयोग करे।